कृष्णा, चैतन्य चरितामृत का आज हम आदि लीला अध्याय 4 श्लोक नंबर 221 से पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। श्लोक नंबर 221। সেই ভাবে নিজ বাঞ্ছা করিল পূরণ, অবতারের এই বাঞ্ছা মূল কারণ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাই বজেন্দ্র কুমার, রসময় মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার। সেই রস আস্বাদিতে কইল অবতার, আনুষঙ্গে কইল সব রসের প্রচার। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোসাই রসে রসদন, অশেষ বিশেষে কইল রসাস্বাদন। সেই দ্বারে প্রবর্তাইল কলিযুগ ধর্ম, চৈতন্যের দাসী জানে এইসব মর্ম। তো ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু, ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু ইস কলিযুগ মে পতিত সমস্ত জীবাত্মাও কে উপর কৃপা করনে তো আয়ে হি হ্যায়, लेकिन साथ साथ जो है वो राधा रानी का भाव लेकर क्यों प्रकट हुए हैं? क्योंकि जो एक भक्त का भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी की जो भाव है कृष्ण के प्रति, जिससे वो सबसे ज़्यादा मधुरता का आस्वादन करती है, तो उस भाव को समझने के लिए और ऐसा ही मधुर रस का आस्वादन करने के लिए स्वयं कृष्ण भक्त रूप में आए। श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने अपनी इच्छाएं भी पूरी की, और यही एक्चुअली मुख्य कारण है उनके अवतार का। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है साक्षात रस विग्रह कृष्ण है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। वे माधुर्य रस का आस्वादन करने और उसके साथ साथ संयोगवश उनको माधुर्य रस आस्वादन करना मुख्य कारण है, लेकिन संयोगवश समस्त रसों का प्रचार करने के लिए वो अवतरित होते हैं। इस तरह उन्होंने कलियुग में धर्म का प्रवर्तन किया। कौन सा धर्म? संकीर्तन धर्म, जो आत्मा का आहार है, शरीर का आहार है, वैसे आत्मा का आहार है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो ये किसने सिखाया? चैतन्य महाप्रभु ने। एक्चुअली पहले से भी चल रहा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद जो है वो और ऑथेंटिक हो गया, क्योंकि स्वयं कृष्ण की मुख से जिस प्रकार भगवद गीता सुनने से, शास्त्र तो ऑथेंटिक है लेकिन गीता जो है कृष्ण की मुख से निकला है, तो इसलिए वो और भी ज्यादा जो है उसका ऑथेंटिसिटी बढ़ गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त इन सारे सत्य को जानते हैं। वे दिव्य रसों के आश्रित सुख का आस्वादन करने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा गोपियों वाला भाव लेकर प्रकट हुए, और साथ ही साथ उन्होंने युग धर्म का भी प्रचार किया। और केवल जो श्रद्धालु भक्तगण हैं वही इन दिव्य रहस्य को जान सकते हैं। तो अगर आगे आगे 227 श्लोका से अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास, गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास, আর যত চৈতন্য কৃষ্ণের ভক্তগণ,
भक्ति भावे शिरे धरे सबार चरण। ये जो अद्वैत आचार्य है, भगवान नित्यानंद है, श्रीवास पंडित है, गदाधर पंडित है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, मुरारी गुप्त है, हरिदास ठाकुर है, श्री कृष्ण चैतन्य के अन्य सभी भक्त जो गण हैं, उनके कृपा के बिना हम चैतन्य महाप्रभु को ना जान सकते हैं, ना ही चैतन्य चरितामृत की शिक्षाओं को ग्रहण कर पाएंगे जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण के भक्तों की कृपा बहुत इम्पॉर्टेंट है। कृष्ण के भक्तों के, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा के बिना कोई भी इन दिव्य रहस्य को नहीं समझ सकता है। और कृपा हमें कब मिलेगी? जब हम उनकी सेवा करते हैं। तो सेवा बहुत ज़रूरी है, और सेवा के बिना जो है कोई भी प्रेम प्राप्त करना मुश्किल है। जैसे कि कोई अगर किसी कुत्ते का ही सेवा करता है, कुत्ता पाला हुआ है, तो कुत्ता उसको निश्चित रूप से प्रेम करेगा। तो इसी प्रकार जैसे कि यू लव डॉग, डॉग विल लव यू, यू सर्व डॉग, डॉग विल लव यू, यू सर्व गॉड, गॉड विल लव यू। तो आप जिसकी सेवा करेंगे आप उनके प्रिय हो जाएंगे। तो यही फॉर्मूला है प्रिय होने का। तो हमें भगवान श्री कृष्ण की और उनके भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी के जो प्रेम की महिमा है, भजन है ना, यदि गौर न होई तो तबे की होई तो के माने धोरी तम दे राधा रमहिमा प्रेम रसीमा जगते जाना तो के। अगर गौरांग महाप्रभु नहीं होते तो राधा रानी की जो प्रेम की महिमा है वो कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि राधा रानी इतनी महान है। उनके प्रेम की मधुरता का अनुभव करने पर राधा रानी उन अथर्व कृष्ण से जो प्रेम करती है, वो सर्वोच्च भक्त है, और वे जिस सुख का अनुभव करती है कृष्ण की, कृष्ण से प्रेम करके भगवान से जो मधुरता उनको प्राप्त होता है, उसको समझने की इच्छा से ही भगवान हरि कृष्ण स्वयं राधा के भावों में विभूर होकर श्रीमती शची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए जिस प्रकार समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है। तो आगे 231 श्लोक में बताया गया है, ए सब सिद्धांत गुढ़ को ही तेना जुजाई ना कोही लेके होई हार अंत नहीं पाई अतएव कोही किछु कहिया निर्गुण बुझीबे रसिक भक्त ना बुझीबे मोर। इसमें बताया गया है कि जो भगवान के बारे में जो ये बहुत रहस्यमय बातें हैं, इसको एक्चुअली साधारण जनता के समक्ष प्रस्तुत करना अनुचित है। लेकिन अगर इसको इस पुस्तक के रूप में, जैसे कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु के सारे लीलाओं का वर्णन किया है, अगर इसे प्रकट नहीं किया जाए तो इन्हें कोई समझ ही नहीं सकेगा। इसीलिए इस तरह से प्रकट किया है ताकि जो रसिक भक्त है, जो भाव भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है, वो इन्हें समझ लेंगे, और जो मूर्ख है वो समझ नहीं सकेगा। और जिस किसी ने, इसमें बोलते हैं आगे, हृदय धरये जे चैतन्य नित्यानंद ए सब सिद्धांत से पाई बे आनंद ए सब सिद्धांत है आम्रे पल्लव भक्त गण कोकिलेर सर्वदा बल्लभ। तो यहाँ पे बताया गया कि जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु को अपने हृदय में धारण कर लिया है, वो तो इन सब को सुनकर, लीलाओं को सुनकर बहुत मधुर रस का आस्वादन करेंगे। लेकिन जो लोग उन्हें धारण नहीं किया है, उनको इस रस का आस्वादन नहीं होगा। जैसे भक्ति में भी, अगर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं और जो भी सिद्धांत दिया है शास्त्र में उसका हृदय से पालन करते हैं,
गुरु की आज्ञा को कृष्ण की आज्ञा मानकर पालन करते हैं, और प्रामाणिक गुरु हमें क्या आज्ञा देते हैं, कृष्ण भक्ति करने की तो आज्ञा देते हैं। तो हम भक्ति में इस प्रकार जब आगे बढ़ने लगते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं, और उस रियलाइजेशन का जो आनंद है वो केवल भक्त ही समझ सकते हैं। जो शुद्धता से चैंटिंग करते हैं, तो जो जप करते हैं, तो वो दिव्य अमृत है, उस अमृत का वो पान करते हैं, जो अमृत अति मधुर है। लेकिन जो सिंसियरली इस तरह से नहीं करते हैं, उनका सिर्फ मैकेनिकल ही होता है। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल इतना हो जाएगा कि उनको ऐसा लगेगा कि इतने साल से हम करके भी हमें वो स्वाद नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें भगवान और भक्तों की सेवा करना होगा। और सभी भक्तों का प्रतिनिधि है गुरु, सभी देवताओं का भी प्रतिनिधि है गुरु, सभी वैष्णवों का प्रतिनिधि कौन है, गुरु। और शास्त्र भी कहते हैं कि हमें अपने जो गुरु है, जिन्होंने हमें कृष्ण दीक्षा में दीक्षित किया है, जो प्रामाणिक परंपरा से बिलोंग करते हैं, उनकी आज्ञाओं को हमें पालन करना चाहिए। तो ये सारे सिद्धांत आम के वृक्ष की नवा अंकुरित शाखाओं के समान है और भक्तों को बहुत प्रिय है। तो जैसे कोयल पक्षी है तो उनके साथ बुलाएं कि कोयल को बहुत पसंद है जिस तरह से आम के वृक्ष के नव अंकुरित शाखा है, तो ऐसे ही ये कथा है, भक्तों को अत्यंत प्रिय है। अभक्त उष्टि रहिथे नहि प्रवेश, तबे चित्ते होय मोर आनंद विशेष। तो ऊंट जैसे कहीं पे आपको जाना है, छोटा सा दरवाजा है और उसके अंदर से जाना है, तो ऊंट उसमें छोटे से गुफा में उसमें नहीं घुस पाएगा, राइट। तो ऐसे ही ये जो ज्ञान है ये बहुत रहस्य से परिपूर्ण है, और जिसका हृदय पवित्र है, स्वच्छ है, वही इन रसों का आस्वादन कर सकते हैं, और कृष्ण के प्रति जिसका पूर्ण समर्पण है। तो इसलिए अगर कोई अभक्त है वो इसमें प्रवेश नहीं पा सकते हैं। तो कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कहते हैं, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भले ही पढ़ लें फिर भी इसमें घुस नहीं पाएंगे। तो जिस तरह से भगवद गीता है, भगवद गीता जो है बहुत लोग पढ़ते हैं भगवद गीता, लेकिन वो कभी भी रहस्य को नहीं समझ सकते हैं जब तक वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति सरेंडर्ड नहीं होते हैं। तो इसीलिए भगवद गीता हुआ या भागवतम हुआ या चैतन्य चरितामृत हुआ, जब तक हम भक्ति में प्रगट नहीं होंगे तब तक इन रहस्य हमारे सामने उतना नहीं खुलेगा, और जैसे जैसे हम प्रगत हो जाएंगे, प्रगति करेंगे, उतना ही हमें रहस्य खुलेगा। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि सारे लोग कहते हैं कि मैं आनंद तथा रसों से पूर्ण हूँ, तो सारा संसार जो है मुझसे ही आनंद प्राप्त करता है, क्या ऐसा भी कोई है जो मुझे आनंद दे सके? सारा संसार तो मेरे से ही आनंद प्राप्त करते हैं। तो भगवान बाद में विचार करते हैं कृष्ण, आमा हैते गुणी बड़ा जगते असंभव, एकली राधा ते ताहा करी अनुभव। तो राधा रानी की महिमा इसमें हमें पता चलता है कि राधा रानी कितनी महान है। तो कि जिससे कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं कि मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति को ढूंढ पाना, खोज पाना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि भगवान के समान कोई भी नहीं है। इसलिए कोई अगर भगवान के समान पुत्र मांगते हैं, जैसे कि देवकी वासुदेव ने मांगा कि आपके जैसा पुत्र, कृष्ण के जैसा कोई भी नहीं, तो कृष्ण स्वयं ही उनके पुत्र बन के आए। तो कृष्ण आगे कहते, एक कौली राधा तेता हा कौड़ी अनुभव, किंतु एकमात्र राधा में मुझे उस व्यक्ति की उपस्थिति जान पड़ती है जो मुझे आनंद दे सके। तो राधा रानी के अलावा एक्चुअल में कोई ऐसा नहीं है कृष्ण के मन को आनंदित कर सकते। इसलिए गोपिकाएं जो है वो हेल्प करती है राधा कृष्ण को मिलाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके परम प्रियतम कृष्ण को आनंद प्रदान अगर कोई कर सकती है वो श्रीमती राधा रानी, क्योंकि उनकी भक्ति सबसे उच्च है।
इस प्रकार कभी भी गोपियों में ईर्ष्या पैदा नहीं होता कि राधा रानी ही क्यों, क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते कि एकमात्र राधा में मुझे उस व्यक्ति की उपस्थिति जान पड़ती है। और राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण के लेफ्ट साइड से ही राधा रानी का प्राकट्य है, तो एक्चुअली कोई अंतर नहीं है। आगे कृष्ण कहते हैं 242 श्लोक से अभी हम पढ़ रहे हैं। कोटि कामजी निरूप यद्यपि आमार असमर्थ माधुर्य साम्य नहि जार, मोर रूपे आप्यायित हय त्रिभुवन, राधार दर्शने मोर जुड़ाय नयन, राधार दर्शने मोर जुड़ाय नयन। राधा रानी के दर्शन के लिए कृष्ण भी लालायित रहते हैं। कृष्ण कहते हैं यद्यपि मेरा सौंदर्य 1 करोड़ कामदेवों को पराजित करने वाला है। कृष्ण का सौंदर्य, कामदेव बहुत सुंदर है और ऐसे कामदेवों को भी पराजित करने वाले हैं, करोड़ों करोड़ों कामदेवों को पराजित कर सकते हैं कृष्ण का सुंदर दिव्य रूप। यद्यपि यह अतुलनीय है, तुलना नहीं कर सकते, कृष्ण जैसा कोई सुंदर नहीं है, और अद्वितीय है, यानी द्वितीय कोई नहीं, अद्वितीय है, एक एकमात्र कृष्ण ही इतने सुंदर है, तथा तीनों जगतों को आनंदित करने वाला है कृष्ण का सुंदर दिव्य दर्शन, किंतु राधा रानी के दर्शन से मेरे नेत्र को आनंद प्राप्त होता है। राधार दर्शने मोर जुड़ाई नयन, जुड़ाई मतलब जैसे सुकून देता है, नयन आनंदित हो जाता है कृष्ण का जब श्रीमती राधा रानी को देखते हैं। आगे क्या कहते हैं कृष्ण, मोर वंशी गीते आकर्षये त्रिभुवन, राधारा वचने हरे हमारा श्रवण, मेरी दिव्य बांसुरी की ध्वनि तीनों लोगों को आकर्षित करती है। कृष्ण की दिव्य बांसुरी की ध्वनि इतना मनमोहक होता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं किंतु मेरे कान जो है श्रीमती राधा रानी की मधुर शब्दों से मुग्ध हो जाते हैं, इसीलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन, ये जो श्लोक का कृष्ण बोल रहे हैं कि यद्यपि मेरा सौंदर्य 1 करोड़ कामदेवों को पराजित करने वाला है, मदन का मतलब होता है कामदेव। मदन मोहन कौन है? कृष्णा, जो 1 करोड़ कामदेवों को भी मोहित करते, मदन मोहन। और कृष्ण जो पूरे समस्त संसार, आध्यात्मिक भौतिक अनंत कोटि संसार के सबको मोहित कर सकते हैं, उनको राधा रानी मोहित कर देते हैं। तो आप सोचिए राधा रानी की क्या स्टेज है, क्या उनका महानता है, कितना बड़ा पोजीशन है कि कृष्ण को मोहित करते। आप देखिए, आप तो जैसे आप किसी देश के राजा को जानते हैं, है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी है, मुख्यमंत्री, आप उनको जानते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको सब जानते हैं, लेकिन वो आपको पर्सनली जानते हैं और वो आपके पास मिलने आना चाहते हैं, वो इस प्रकार आपको स्पेशल मानते हैं, ये बहुत बहुत विरल है। तो वो व्यक्ति कितना ज्यादा वो व्यक्ति जो है स्पेशल होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे ऐसे तो भौतिक जगत का कोई उदाहरण हम आध्यात्मिक जगत में नहीं दे सकते हैं, लेकिन समझने के लिए कि कृष्ण हर जगह फेमस है, कृष्ण कृष्ण सबको मोहित करते हैं, लेकिन कृष्ण को राधा रानी मोहित करती है। तो राधा रानी के मधुर शब्दों से, जो कृष्ण की बांसुरी भी इसमें फेल हो जाए, कृष्ण बोलते हैं सारे बांसुरी के हिस्से में मुग्ध होते हैं, लेकिन मैं तो राधा रानी की मधुर शब्दों से मुग्ध हो जाता हूँ। आगे कृष्ण कहते हैं यद्यपि आमार गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त प्राण हरे राधा अंग गंध, यद्यपि मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंध प्रदान करता है, किंतु राधा रानी के अंगों की सुगंध ही मेरे मन और हृदय को मोहित कर देती है। भौतिक संसार में मनुष्य के शरीर से बदबू आती है, खुशबू नहीं आती अपने आप, अगर गर्मी हो जाएगी, पसीना आ जाएगा तो बदबू आएगी, लेकिन आध्यात्मिक संसार में हर किसी के शरीर से खुशबू निकलती है, और जब वो स्नान करते हैं सरोवर में, वो खुशबू सरोवर में फैल जाती है पानियों में, और जब वो चलते हैं
और अगर हवा उनको छूकर जाते, जैसे कोई बहुत भौतिक जगत का उदाहरण हम ऐसे उल्टा दे सकते हैं कि कोई बहुत उनको बहुत परफ्यूम लगाया है, बहुत स्ट्रांग परफ्यूम, और जब वहाँ से हवा हमें हमारी तरफ और आते तो हमें पता चलता है कि कोई बहुत स्ट्रांग परफ्यूम लगाते हैं, राइट। वो लगाना पड़ता है यहाँ पे, वहाँ पे नहीं लगाना पड़ता, वो खुशबू पता चल जाता है। तो राधा रानी का जो शरीर का सुगंध है उससे कृष्ण मोहित हो जाते हैं अंगों की सुगंधि से, जबकि कृष्ण के शरीर की सुगंधि से समस्त जगत में सुगंध मिलता है ना। यद्यपि मेरा शरीर संपूर्ण सृष्टि को सुगंध प्रदान करता है, कृष्ण कहते हैं, लेकिन राधा रानी की अंगों की सुगंधि मेरे मन और हृदय को मोहित कर देती है। तो राधा रानी कृष्ण कृष्ण रसों से पूरित है, लेकिन राधा रानी का जो अमृत रस है वो कृष्ण पान करना चाहते हैं। राधा रानी जो है, यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं, यद्यपि हमारा स्पर्श कोटिंदु शीतला, राधिका स्पर्शे आमा करे सुशीतला। यद्यपि मेरा स्पर्श 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी शीतल है, चंद्रमा जब पूर्ण पूर्ण चंद्रमा होती है, पूर्णिमा होता है, तो कितना अच्छा लगता है ना, शीतलता, गर्मी में कितना शीतलता प्रदान करती है, मृदु मृदु जब हवा बहती है ठंडी ठंडी, और कृष्ण की जो है स्पर्श इतना शीतल है किसी को भी आनंदित करते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, लेकिन मैं राधा रानी के स्पर्श से ही शीतल हो उठता हूँ। आगे कृष्ण बोलते हैं, फिर से बोलते हैं राधा रानी की महिमा में, ए माता जग तेरा सुखे आमी हेतु, राधिकार रूप गुण आमार जीवातु। इस तरह यद्यपि मैं संपूर्ण जगत के सुख का उद्गम हूँ, कृष्ण आनंद का आगार है समस्त जगतों का, किंतु श्री राधिका के सौंदर्य एवं गुण मेरे जीवन और आत्मा है। राधा रानी की सुंदरता, राधा रानी की गुण, तो राधा रानी की महानता इसमें पता चलता है, जो कितनी महान है। तो आगे बताते हैं कृष्ण, राधा रो दर्शन मोर जुड़ाई नयन, फिर से बोल रहे हैं राधा के दर्शन से मेरा आंखें जो है आनंदित हो उठते हैं, जब जब श्रीमती राधा रानी पर दृष्टि डालता हूँ तो मेरी आंखें पूर्णतया तृप्त हो जाता है। जुड़ाई नयन मतलब ये बंगाली में है, जुड़ाई नयन, तो नयन तृप्त हो जाता है, इतना मतलब सुंदरता है राधा रानी में। फिर बोलते हैं, आमारा दर्शन है राधा सुखे अगे यान, किंतु मुझे देखकर वो और भी अधिक तुष्ट हो जाती है, मतलब कृष्णा श्रीमती राधा को देखकर जितना तुष्ट हो जाते हैं, जितना आनंद मतलब उनको आया, राधा रानी तो डबल खुश हो जाती है कृष्ण को देखकर। फिर राधा रानी को डबल खुश होकर देखकर कृष्ण जब और खुश होते हैं, तो कृष्ण से और डबल राधा रानी खुश होती है। तो जितना जो खुश होते हैं ना, तुष्ट होते हैं, उसको उतना ज्यादा आनंद मिलता है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब कृष्ण को ज्यादा आनंद मिल रहा है कि राधा रानी को, राधा रानी को, राइट। तो आगे बताते हैं, परस्पर भेणु गीते हरये चेतना, मुरा भ्रमे तमाले रे करे आलिंगन। श्रीमती राधिका इतने कृष्ण भावना में डूबी हुई है कि जो जितना कृष्ण भावनामय हो सकते हैं ना, उनको उतना ही आनंद मिलेगा, दिव्य आनंद। लेकिन राधा रानी इस तरह डूबी हुई है कि कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि जब दो बांस, बांस का ऐसे होता है ना, लंबा लंबा बांस होता है, तो बांसों का जब परस्पर रगड़ होता है ना, तो ऐसे बांसुरी जैसे थोड़ी आवाज निकलती है, तो राधा रानी सोचती है कृष्ण की बांसुरी की आवाज है, तो इसी प्रेम में राधा रानी बेहोश हो जाती है, इतना भाव है राधा रानी में कृष्ण के प्रति। और फिर कभी कभी तमाल वृक्ष को कृष्ण समझकर आलिंगन करती है, वो सोचती है कि मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है, अतएव मेरा जीवन सार्थक हो गया। इस तरह से वो भुजाओं में भर लेती है तमाल वृक्ष को। कृष्ण आलिंगन पाइनो जन्म सफले, कृष्ण
कृष्ण सुखे मग्न रहे वृक्ष करी कोले अनुकूल बाते जदि पाई मोर गंध उड़िया पड़ीते चाहे प्रेमे होई अंध तांबूल चर्बित जबे करे आस्वादने आनंद समुद्रे डूबे किछुर न जाने आमार संगमे राधा पाई जे आनंद शतमुखे बोली तो वो ना पाए तारांत। तो ये राधा रानी की महिमा का वर्णन है कि जब अनुकूल वायु, कृष्ण बोलते जब अनुकूल वायु मेरे शरीर की सुगंध को उस तक ले जाती है, यानी कृष्णा की शरीर में जो सुगंध है, जिस सुगंध से समस्त जगत सुगंधमय बनता है, वो सुगंध जो है राधा रानी तक जब हवा से जाता है, हवा जो है ले जाती है शरीर की सुगंध को, तो राधा रानी प्रेमांध हो उठती है और वायु में उड़ना चाहती है। इतना ज़्यादा वो प्रसन्न हो जाती है, इतना आनंद वो लाभ करती है। और जब वो, कृष्ण कहते हैं, जब वो मेरे द्वारा चर्बित पान का आस्वादन करती है, पान, तो वो आनंद के समुद्र में डूब जाती है और सब कुछ भूल जाती है, कृष्ण का जो जूठन है पान वो खाकर। तो इसलिए हमें कृष्ण का प्रसाद खाना चाहिए, उससे हमें निश्चित रूप से वो दिव्य आनंद प्राप्त होगा। कृष्ण प्रसाद के अलावा कृष्ण को भोग लगाए बिना कुछ भी नहीं अंदर जाना चाहिए, ऐसा दिव्य हमारा जीवन होना चाहिए। तो कृष्ण आगे कहते कि मैं सैकड़ों मुखों से उस दिव्य आनंद जो राधा रानी को मिलता है ना, वो नहीं व्यक्त कर सकता। कृष्ण की संगति से जो राधा रानी को जो आनंद मिलता है वो व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो अपने परस्पर लीलाओं के अंत में उसके वर्ण की कांति को देखकर मैं सुख में मग्न होकर अपने खुद की पहचान भूल जाता हूँ। तो इस प्रकार राधा कृष्ण को देखकर प्रसन्न होती है, कृष्ण राधा को, लेकिन कृष्ण ने ये नोटिस किया, ये देखा कि राधा रानी मेरे से भी ज़्यादा आनंद लाभ कर रही है। ये बोल रहे हैं कृष्ण आगे 258 श्लोक में, অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই তাহা হইতে রাধা সুখ শত অধিকাই। মুঝে রাধা রানী সে মিলনে পর জো সুখ প্রাপ্ত হতা হ্যায় ও অন্য সে মিলনে পর প্রাপ্ত হোনে ওয়ালে সুখ সে সেকরো গুণা অধিক হতা হ্যায়। তো কৃষ্ণ কিসি সে ভি মিলে, লেকিন রাধা রানী সে মিলকর জো সুখ কৃষ্ণ কো আনন্দ কৃষ্ণ কো মিলেগা ও অন্য সে नहीं मिलेगा, उससे करोड़ों गुना ज़्यादा है वो सुख। तो इसलिए भक्त हमेशा राधा कृष्ण का साथ में पूजा करते हैं, ऐसा नहीं कि कृष्ण को अलग राधा को, राधा के बिना कृष्ण की पूजा होनी ही नहीं चाहिए। आप देखिए इतना कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं, राधा रानी की भक्ति से इतना मुग्ध है कि राधा रानी के साथ जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम राधा को कृष्ण से अलग नहीं कर रहे हैं। आप देखिए जब बलराम जी और कृष्ण जो गोवर्धन धारण करते हैं, तो बलराम जी भी होते हैं, कृष्ण भी और गोपालक सब लोग जो है गोवर्धन के नीचे आते हैं, लेकिन वो किसकी वजह से हुआ? इंद्र की वजह से हुआ, राइट? इंद्र की वजह से हुआ, और इंद्र ने एक प्रकार से एक अपराध किया कृष्ण के प्रति, क्योंकि ब्रजवासियों को वो बहुत ज़्यादा प्रलयंकारी बारिश करके, तो इंद्र ने प्रलयंकारी बारिश किया, लेकिन भगवान ने उनको बचा लिया गोवर्धन के नीचे लाकर। पर फिर भी कृष्ण ने इंद्र को माफ़ कर दिया था, लेकिन ब्रह्मा जी के केस में जब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े चुरा लिए तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, कृष्ण ने उनको आसानी से माफ़ नहीं किया है, या उन्होंने जवाब भी नहीं दिया इसलिए जब वो क्षमा प्रार्थना करने आए थे। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कृष्ण को गोप बालकों से और बछड़ों से, गाय से अलग कर दिया था जो उनके भक्त हैं, लेकिन इंद्र ने भले ही अहंकार के कारण कि मुझे क्यों पूजा नहीं किया करके बारिश किया, लेकिन सब लोग 7 दिन 7 रात एक साथ इकट्ठे मिलन करवाया कृष्ण के साथ। जब कृष्ण के साथ भक्त का मिलन करवाते हैं ना हम, तब खुश होते हैं कृष्ण ज्यादा।
तो ये भी एक प्रमाण है। ये एक श्लोक है ललित माधव में 9.9 में, उसका इस प्रकार अनुवाद है। हे कल्याणी राधा रानी, तुम्हारा शरीर समस्त सौंदर्य का स्रोत है। तुम्हारे लाल लाल अधर अमृत माधुरी की अनुभूति से भी कोमल है। तुम्हारा मुख कमल के फूल की सुगंधि से ओतप्रोत है। तुम्हारी मधुर वाणी कोयल की ध्वनि को परास्त करने वाली है और तुम्हारे अंग प्रत्यंग चंदन लेप से भी शीतल है। मेरी सभी दिव्य इंद्रियां सद्गुणों से अलंकृत तुम्हारा आस्वादन करके परम आह्लादित होती है। तो भगवान परम आह्लादित होती है राधा रानी के साथ रहते हुए। श्लोक नंबर 61। ताते जानी मोते आछे कोनो एक रस, आमार मोहिनी राधा तारे करे बस। यह विचार करने पर मैं समझ सकता हूँ कि मुझ में कई अज्ञात रस है। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे में कई अज्ञात रस है जो मैं भी नहीं जानता, जो मुझे मोहित करने वाली, मतलब कृष्ण को भी मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी को संपूर्ण रूप में वश में करता है। क्योंकि राधा रानी हमेशा कृष्ण के प्रति आकर्षित रहती है, तो कृष्ण के अंदर ऐसे बहुत सारा रस है जो राधा रानी पान करती है। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं, आमा होते राधा पाए जे जाती अशुख, ताहा आस्वादिते आमी सदाई उन्मुख। मैं सदैव उस सुख का आस्वादन करने के लिए उत्सुक रहता हूँ जो राधा रानी मुझसे प्राप्त करती है। तो ये आज हमने 262 श्लोक तक किया है, 221 श्लोक से। तो हमने आज ये देखा कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण से भी अधिक रसपान कर रहे हैं कृष्ण से मिलके। तो कृष्ण अपने ही अंदर के अज्ञात मधुर रसों का आस्वादन करने के लिए राधा रानी का भाव लेकर आज से 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।